हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम जो टॉपिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसके लिए सिंबल है के और इसके पैर में सी है, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, तो इस इक्वेशन से कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोगों ने बनाना है उसकी बात हम लोग करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने डैनियल सेल के बारे में पढ़ा है और डैनियल सेल की रिएक्शन हम लोगों को पता है कि क्या होती है। डैनियल सेल में क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और कॉपर सल्फेट का आप सोल्यूशन, Cu2 पॉजिटिव आइंस रिएक्शन होती है। जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कॉपर के जो आयन्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। अब इसे जब ये रिएक्शन चलती है तो होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन है, फर्स्ट पॉइंट में जो कंसंट्रेशन है जिंक आयन्स की वो इंक्रीज होती रहती है और जो कंसंट्रेशन है कॉपर आयंस की वो कम होती रहती है जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे आगे चलता है। एक टाइम पे, या एक टाइम पे भी छोड़ो, आप देखोगे कि टाइम के साथ जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा आप लोग देखोगे कि एक समय पे आके जो वोल्टेज है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब कंसंट्रेशन जो है जिंक आयंस की और कॉपर आयंस की चेंज होना बंद हो जाएगी, मतलब इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। और उस टाइम पे जो वोल्ट मीटर है वो आपको जो वोल्टेज है वो कितनी देगा, वैल्यू 0 देगा। इसका मतलब क्या है कि आयंस की मूवमेंट बंद हो चुकी है और वे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी यहाँ पर बंद हो गई है। और इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, जब आपकी रिएक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गई है, मतलब अब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो पाएगी, ना कम ना ज्यादा, जो भी है, तो उस कंडीशन को वी कॉल इक्विलिब्रियम। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया कि इक्विलिब्रियम की जो हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक में वो कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। आपको पता है नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई सेल की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट सेल, ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग। अगर आपको याद हो इधर हम लोग लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो भी हमारे पास रिएक्शन होती थी। अब रिएक्शन क्या है, मेरे पास जिंक प्लस कॉपर आइंस, जिंक के आइंस प्लस कॉपर, तो ई सेल इज इक्वल टू, हालांकि मुझे ई नोट सेल की वैल्यू भी पता है लेकिन हम लोग वो बाद में इसको लिखेंगे, पहले हम लोग जो फोकस पे है वो करना चाहेंगे। -2.303 आर टी, कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, टू, तो 2f लोग। प्रोडक्ट में है जिंक के आइंस, कॉपर के तो आप मान लेते हो, और इधर नीचे आएगा कॉपर के Cu2 पॉजिटिव और जिंक के, तो ये चीज आ गई आपके पास ई सेल। उसके बाद हमने बात किया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे दो चीजें होंगी क्या, एक तो जो ई सेल है वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने बोला है अभी वोल्ट मीटर कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, और जो आप लोगों की कंसेंट्रेशन है जिंक 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव की वो कांस्टेंट हो जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे के सी के साथ। इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, तो ई सेल की वैल्यू तो 0 है, ई नोड अभी हम लोग नहीं वैल्यू पुट करेंगे, -2.030 आर टी डिवाइडेड बाई 2f log,
और Zn2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन को हम लोग Kc लिख सकते हैं। अब हमें पता है डैनियल सेल के लिए जो ई नोड सेल की वैल्यू है वो 1.1 वोल्ट होती है, आर की वैल्यू 8.314 है। आर इज बेसिकली यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जो आप लोगों ने प्लस वन में भी किया है। इसका जो यूनिट है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होता है। टी इज द टेम्परेचर 298 केल्विन, एफ इज द फैराडेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी हुई है मुझे 9,6487 कूलम पर मोल या कूलम मोल इनवर्स। तो अब मुझे करना क्या है, ये सारी वैल्यूज को जो इक्वेशन अपने पास ऊपर बन रही है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो जीरो इज इक्वल टू ई नोट सेल की वैल्यू 1.1, 2.303, आर इज 8.314, टेम्परेचर इज 298 डिवाइडेड में 2 है और एफ की वैल्यू 9,6487 लॉग केसी। ओके, तो अगर हम लोग इस टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आए तो इट विल बिकम पॉजिटिव 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9,6487 लॉग केसी इज इक्वल टू 1.1। जब इस चीज को अपन सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ जो वैल्यू आ रही है, 2 को छोड़ के आपके पास ऊपर बनेगा 0.059 और ये नीचे 2 लॉग केसी। बेसिकली ये जो टर्म है 2.303 आरटी बाय एफ, ये हर न्यूमेरिकल में आपको कॉन्स्टेंट ही रहेगी, दैट इज 0.059। नीचे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं वो आ जाएगा, यहाँ पे 2 हुए थे तो इसलिए हम लोगों ने 2 लिख दिया। अब लॉग केसी की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 0.059। तो ये आपके पास सॉल्व करके, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बुक से, 37.288 आ जाएगा। अगर हमें केसी निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा 37.288 का, एंड आई विल गेट 2 × 10^37। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये तो आपके लिए वैल्यू किसके लिए फिक्स होगी, डैनियल सेल के लिए। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हमारे पास डैनियल सेल ही होगा, तो उस केस में हमें क्या कैसे याद रखना है फॉर्मूला। आपके पास फॉर्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग मेथड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन लिखूंगा। अब आपको करना क्या है, सॉरी केसी लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे। चलो एक बार प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट उसमें हम लोग लिख देंगे इसको केसी। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, ई सेल की वैल्यू 0 है, ई नॉट की आपको वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा सेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल्स कितने ट्रांसफर हुए वो भी नहीं पता, वो डिपेंड करता है, लेकिन ये केसी हो जाएगा आपके पास। तो यानी कि लॉग केसी 0.059 डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू ई नोड सेल। तो ये मेरे पास जो है वो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मुझे ई नोड सेल यहाँ पे पता चल गया तो मैं, और एन पता चल गया तो मैं केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, और वो डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या इक्वेशन दी हुई है। जैसे मैं आपके पास एक एग्जांपल है जो हमारी एनसीईआरटी में की हुई है, उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करो और मुझे सेल दिया हुआ है कॉपर प्लस 2 Ag पॉजिटिव, कॉपर के आयंस प्लस
सिल्वर। और ई नॉट सेल की वैल्यू इन्होंने गिवन कर दी है, दैट इज 0.46 वोल्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, यूज करते हैं 0.059 अपॉन n, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। आप देखिए कॉपर पे जो चार्ज है वो 2 है, सिल्वर पे 1 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। अगर नहीं पता चले तो आप ना रिएक्शन को हाफ हाफ में कन्वर्ट कर लो। जैसे कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सिल्वर ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो सिल्वर बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, 2, तो इसलिए हम लोग एन की जगह 2 पुट कर देंगे। केसी तो हमें फाइंड करना है और ई नोट सेल हमें दिया हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 0.059 डिवाइड में हो जाएगा, 0.059, और ये सॉल्व करके 15.6 आ रहा है। केसी निकालना है तो मुझे क्या करना है, 15.6 का एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी होगी, तो जो यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है 3.92 × 10¹⁵, और इस तरीके से आप लोगों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।